أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حياة دنیاوی کی مثال اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بھی پیش کر دیجئے کہ ہم نے بادلوں سے بارش برسائی اور اس سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہوئی، پھر کھیتی کٹی اور بھوسا ہو گئی اور ہوائیں اس کو اڑانے لگیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. چند روزہ زندگی اور پھر آخرت کی پیشی، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والے اچھے اعمال تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت افضل ہے اور اچھی امیدوں کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے اور تم زمین کو کھلی مسطح دیکھو گے اور ہم تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب صف در صف تمہارے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس ویسے ہی حاضر ہو جیسے ہم نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم دعوے کرتے تھے کہ ہم اس طرح طے شدہ دن میں تمہیں حاضر نہیں کریں گے. اور اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو تم مجرموں کو ان کے جرائم کی جو فائلیں ہوں گی ان سے سخت خوف زدہ دیکھو گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کسی چھوٹی بڑی بات کو چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ ریکارڈ کر لیا. اور وہ اپنا سارا کیا دھرا موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ابلیس جن تھا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ،
तो इबलीस के अलावा सब झुक गए थे, वो जिनों में से था और उसने अपने मालिक के हुक्म से सरताबी की। तो ये लोगों, मुझे छोड़कर उसकी जुर्रियत को अपना दोस्त और सरपरस्त बनाते हो, जबकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। कैसे बदतरीन मुतबादल जालिमों के हाथ लगे हैं। सूरतुल कहफ की जो आयत करीमा पढ़ी गई और उनका तर्जमा पेश किया गया, आयत नंबर 45 से शुरू होती हैं और आयत नंबर 50 पर ख़त्म होती हैं। इन आयत करीमा से पहले एक मिसाल पेश की गई थी, एक वाक़े का तज़किरा था तमसीली पैराए बयान में, एक इंसानी ज़िंदगी की हकीकत का इजहार था। वहाँ मिसाल पेश की गई थी दो ऐसे अशख़ास की जिनमें एक शख्स बहुत दौलतमंद था, बड़ा सेठ था, बाग का मालिक था और अपनी दौलत पर और अपने बाग पर उसको गुरूर था और घमंड था। दूसरा शख्स मामूली दर्जे का इंसान था जो उसके साथियों में शुमार होता था और वो मोमिन था। दूसरा शख्स जो दौलतमंद था और मगरूर था, उसने अपने ईमान को फरामोश कर दिया था। और उस वाक़े में फिर ये दिखाया गया कि वो मामूली और गरीब आदमी अपने साथी को नसीहत करता था कि तुम अपने बाग पर मत इतराओ और गुरूर मत करो, तुम्हें चाहिए कि अल्लाह को याद रखो और बाग में जाओ तो बाग देखकर जब तुम्हें खुशी हो और बाग अच्छा लगे तो कहो कि माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मशीयत से है जो कुछ भी है, उस अल्लाह ही के पास ताकत है। बहरहाल उस गरीब साथी ने उसको नसीहत की थी, लेकिन उस वक्त उसको नसीहत का होश नहीं था और फिर वो वक्त आया कि बाग पूरी तरह तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और उसके बाद सिवाय नदामत और पशेमानी और अफसोस के उसको कुछ हाथ ना लगा। फिर वो तड़पता रहा और तौबा करता रहा। गनीमत था कि बाग की तबाही के बाद उसको तौबा नसीब हुई और अल्लाह ने दुनिया में एक सज़ा दी और आखिरत में उसको माफ़ कर दिया होगा, उसकी तौबा कबूल फरमा ली होगी। यहाँ जो आयतें अभी पढ़ी गई इनमें अब मिसाल दी जा रही है दुनिया की ज़िंदगी की। वो तो दुनिया की ज़िंदगी गुजारने वाले बाज़ लोगों का नमूना था जो पेश किया गया था, और जाहिर है कि जो नमूना पेश किया गया था वो एक मिसाल के तौर पर वाक़े का तस्करा था और उस तरह के वाक़े रोज़मर्रा पेश आते हैं मुख्तलिफ ज़मानों में। इस तरह के वाक़ात दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पेश आते ही रहे हैं, आज भी पेश आ रहे हैं और पेश आते रहेंगे। लेकिन ये जो दुनिया की ज़िंदगी है जो हमें मिली है, इसकी हकीकत क्या है? कुरान पाक में बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने दुनिया की इस ज़िंदगी के बारे में लोगों को हकीकत से रूशनास फरमाया है और इस बात को बार बार बयान किया है कि ये दुनिया मिटने वाली है, फानी होने वाली है। ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी और इस दुनिया में गर्दिश लैलो नहार से जो कुछ सामने आता रहता है, खेतियां तैयार होती हैं और कटती भी हैं, बाग बहुत सजे धजे होते भी हैं और तबाह बर्बाद भी होते हैं, और इंसान अपनी उम्र के शबाब को पहुंचता है और फिर बुढ़ापे को पहुंचता है और इस दुनिया को छोड़ता है
और उसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाती है और उसका धड़ गिर पड़ता है। ये दुनिया एक हाल में नहीं रहती है और न लोगों के हाल यकसा रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, रातों दिन की एक गर्दिश है जब लोगों के दरमियान करते रहते हैं, तो कभी उरूज और कभी जवाल होता है, जैसे कभी जवानी और कभी बुढ़ापा, और कभी बुढ़ापा और कभी मौत की दहलीज और कभी कब्र। जिस तरह ये वो वाकयात हैं जो पेश आ रहे हैं, और इसी तरह कभी गिना है तो कभी फक्र है, और कभी नामोनुमूद है और कभी कोई बेनाम है। ये हालात जो बज़ाहिर मुतजाद हैं, ये पेश आते रहते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे कभी रात है तो कभी दिन है, कभी धूप है तो कभी छांव है, और कभी गर्मी है तो कभी ठंडक है। ये दुनिया तजादात से भरी हुई है। अल्लाह ने यही चाहा है। जिस तरह अल्लाह ने नेक बंदे भी इस दुनिया में बसाए हैं और अशरार और बद किस्म के इंसान भी, और इस दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने और आलम बाला से लेकर नीचे तक एक इंतजाम फरिश्तों का किया है, तो एक तरफ शैतानों को भी वजूद दिया है, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदाइश के मरहले से गुजारा और फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि उनके सामने सर बसुजूद हो जाना, और फिर जिनों में से एक शख्स जिसको इबलीस करार दिया गया आदम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो रांदे दरगाह करार दिया गया, और उसके बाद वो सबसे बड़ा आदम का दुश्मन ठहरा, और उस दुश्मन को इस दुनिया में बसने का मौका दिया गया जिस तरह आदम को इस दुनिया में बसाया गया, और उसके बाद पहले दिन से जो कशमकश और कशाकश आदम और आदम की जुर्रियत में और इबलीस इबलीस की जुर्रियत में चली है, वो बस बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, कयामत तक वो अपने उरूज को पहुंचेगी। तो ये दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है जिसमें सिर्फ दोस्तियां हों और सिर्फ ताल्लुकात हो, सिर्फ आराम हो और सिर्फ राहत हो और सिर्फ यकसानियत हो, बल्कि अकलमंदों के लिए यह दुनिया एक कश्मकश की जगह है। ये दुनिया जंग के लिए वजूद में लाई गई है। इस दुनिया की किस्मत में टकराव तय किया गया है। इस दुनिया में जो टकराव के लिए तैयार नहीं, उसके लिए जिंदगी की जमानत नहीं। उसकी जिंदगी उसी वक्त तक है जब तक के उसके वजूद के अंदर एक कश्मकश बरपा है। हर इंसान अपने जिस्म के अंदर के जरासीम से लड़ रहा है और जिस्म के बाहर के जरासीम से लड़ रहा है। फिजा में बेशुमार जरासीम हैं, मुजिर भी हैं और सेहत के लिए जो मतलूब है वो भी हैं। इंसान पानी पी रहा है तो करोड़ा करोड़ जरासीम के साथ पी रहा है, एक निवाला खाना खा रहा है तो बेशुमार जरासीम के साथ खा रहा है। ये वो जरासीम है जो पानी में है और खाने में है और हर चीज में है, और ये उसकी सेहत के वो जरासीम है कि खाने के साथ वो उनको अपने वजूद के अंदर लेता है, और इस तरह करोड़ा करोड़ जुरसू में इसके जिस्म के अंदर है, खून में दौड़ रहे हैं, उसके जिस्म के हर हिस्से में है। लेकिन कोई बैरूनी जुरसूमा इसके जिस्म पर हमलावर होता है जो इसके जिस्म के जरासीम से एक मुतजाद ताकत का हामिल होता है, तब फिर एक लड़ाई शुरू होती है, कश्मकश शुरू होती है। और इस कश्मकश में अगर जिस्म के अंदर के जरासीम ज्यादा ताकतवर हैं तो बाहर के इस जुरसूमे को वो शिकस्त दे देते हैं, दफा कर देते हैं, और फिर इसकी मौत हो जाती है, और फुजले के साथ ये खारिज हो जाता है, पेशाब के साथ खारिज हो जाता है, ये फुजला बन जाता है। लेकिन अगर जिस्म के अंदर के सेहत के जरासीम बीमारी के जरासीम का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि कुव्वत दिफा जेर हो जाती है, इंसान के अंदर वो ताकत बाकी नहीं रहती है जो टकराव
को कबूल करने वाली और जंग करने वाली ताकत है, तो फिर वो इंसान शिकस्त खा जाता है। और जरासीम शिकस्त खाते हैं तो इसी शिकस्त को बीमारी से ताबीर किया जाता है। ये बीमारी नज़ले से और जुकाम से और छींक से और खांसी से कभी शुरू होती है, कभी दर्द सर से और दर्द शिकम से, और उसके बाद फिर ये बढ़ती चली जाती है। और बाज वक्त तो ऐसा होता है कि इसके जिस्म के अंदर वो दीमक पैदा हो जाती है जो जिस्म के आज़ा को चाट जाती है, जिसको कैंसर कहा जाता है। एक लकड़ी का कैंसर होता है, एक इमारत का कैंसर होता है, एक जिस्म का कैंसर होता है। बहरहाल अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जरा इन लोगों के लिए, इंसानों के लिए, मेरे बंदों के लिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कर दीजिए, ये भूल में मत रहें, ये मस्त मगन मत हों, ये मत सोचें कि हमेशा के लिए लड़ाई खत्म, अब आराम ही आराम। खाना जो बहुत लजीज है वो उस वक्त तक लजीज है कि जब तक वो आपकी जरूरत के बकदर है। जहां जरूरत से जायद एक लुकमा खाया गया तो जहर हो गया, वो लजीज खाना हैजे का सबब हो गया, वही लजीज खाना इंसान के जिस्म की तबाही का सबब हो गया। वो मशरूब बहुत अच्छा है जिसको आप पीते हैं तो बड़ी तरावट महसूस करते हैं, लेकिन जब वो जायद हो जाता है तो फिर उस मशरूब के जरिए से कोई ना कोई शक्ल बीमारी की वजूद में आती है, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाता है, तो छींकें आने लगती हैं और नज़ला हो जाता है और फिर खराश हो जाती है और फिर बुखार आ जाता है और बुखार टाइफाइड बुखार बन जाता है और क्या क्या नहीं होता है। रोज़मर्रा के किस्से हैं। अस्पतालों में चले जाइए तो ऐसा लगेगा पूरी आबादी बीमार हो गई, और कब्रिस्तानों में चले जाइए तो लगेगा सब मर ही गए हैं, मरते ही चले जा रहे हैं। स्टेशनों पे चले जाइए तो लगेगा सब लोग सफर ही कर रहे हैं। हवाई अड्डे पे चले जाइए तो भी वैसा मालूम होगा कि पूरी आबादी को सफर ही सवार है। ये इंसानी जिंदगी के मनाजिर हैं। अक्लमंद वही है जो इस जिंदगी को तौल तौल कर इस्तेमाल करता है और नाप नाप के लेता है, जो हाथ पैर फैला फैला कर आराम नहीं करता है और गाफिल नहीं रहता है, जो इस जिंदगी से बस उस कदर फायदा उठाता है जितना के फायदा उठाना चाहिए, और उसके बाद असल जो अबदुल आबाद की जिंदगी है उसके लिए फिक्रमंद होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि अल कय्यसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बाद अल मौत। अकलमंद इंसान वो है जो अपना मुहासबा करता रहे और मौत के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए अमल करे, क्योंकि उसके मुकाबले में जब हम इस जिंदगी को देखते हैं तो रेगिस्तान के एक जर्रे के बराबर नहीं और समंदर के एक कतरे के बराबर नहीं। जो जिंदगी आपको बड़ी लग रही है, 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी लग रही है, हालांकि कितने बच्चे मर रहे हैं और कितने जवान मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान को जो तूलानी जिंदगी लगती है, ये जिंदगी वाकया ये है कि लोगों की सबकी जिंदगी के मुकाबले में अगर देख लीजिए तो ये एक जर्रे के बराबर नहीं, और आखिरत के मुकाबले में देखिए तो रेगिस्तान के एक जर्रे के भी लाखवें करोड़वें हिस्से के बराबर नहीं। इसलिए नबी ने फरमाया कि अकलमंद इंसान वो है जो मां बादल मौत की जिंदगी की तैयारी करे, मां कबलल मौत की जिंदगी की तैयारी सिर्फ अहमक करते हैं। हाँ, वो तैयारी की जो इसलिए की जा रही हो कि वो बाद वाली जिंदगी दुरुस्त हो जाए, तो वो तैयारी अलग है। अल्लाह ये फरमाता है कि जरा इनसे दुनियावी जिंदगी की मिसाल बयान कर दीजिए, ऐसी समझो कि पानी है, बारिश है जो हमने ऊपर से नाजिल की है, और ये बारिश है ये जब मिट्टी के जर्रों से मिलती है, पानी के कतरे और मिट्टी के जर्रे, तो हम उनके अंदर एक सलाहियत ऐसी पैदा कर देते हैं कि हयात की बर्क पैदा हो जाती है, हयात की रौ दौड़ने लगती है, और फिर इसी मिट्टी से घास फूस वजूद में आते हैं, इसी मिट्टी से पौधे पैदा होते हैं, इसी मिट्टी से कीड़े और केचुए तैयार होते हैं। ये वो मिट्टी है कि पानी के मिलने के बाद इसके अंदर हयात की रमक पैदा होती है,
वरना ये मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई और जलती भुनती दिखती है, धूप से तपती हुई। लेकिन जहां बारिशें हुई और थोड़ा सा मौका मिला और इस जिंदगी को हयात की करवट लेने का मौका मिला, तो उस वक्त आप देखते हैं कि जहां बिल्कुल खुश्क मिट्टी थी, सूखी हुई, वहां पर केचुए दिखते हैं, कीड़े मकोड़े बेशुमार पैदा हो जाते हैं और नबाताती जिंदगी वजूद में आती है। एक तो वो नबाताती जिंदगी है जो अज खुद बेसाख्ता वजूद में आती है, एक वो नबाताती जिंदगी है जिसके लिए आप इंतजाम करते हैं, गुठली डालते हैं और दाने डालते हैं और आप उन मिट्टी की तह में उनको दफन कर देते हैं, और जब दफन करते हैं तो फिर बास बादल मौत का नजारा सामने आता है कि उसी मदफून बीजों से और दानों से फिर हम देखते हैं कि जमीन खुद फटती जा रही है, उसका सीना चाक हो रहा है एक रेशम से ज्यादा नाजुक कोपल के लिए। ये मौजिजा है, अल्लाह ये मौजिजा हर वक्त दिखाता है। अगर इबरत की निगाह से काश्तकार देखे तो सबसे बड़ा ईमान वाला बन जाए, बागबान अगर इबरत की निगाह से देखे तो उससे बड़ा कोई मोमिन ना हो। लेकिन मुश्किल यही कि शैतान ऐसी गफलत मुसल्लत कर देता है कि इंसान जमीन से निकलती हुई कोपल को देखता है और ईमान ताज़ा नहीं होता, और दरख्त को निकलते देखता है और उसको तने पे खड़ा होते देखता है और शाखों के फैलते देखता है और पत्तों की कसरत को देखता है और फूल निकलते देखता है और फल वजूद में आते देखता है, फिर भी बेईमान का बेईमान रहता है। वो जानवर, वो इंसान नुमा बदतर किस्म का एक कीड़ा मकोड़ा, इतने मौजज़ात देखता है और उसके बाद भी उसको ईमान नसीब नहीं होता। फरमाया कि हम बारिशें बरसाते हैं और इनसे हयात नौ पैदा करते हैं। तो जिस तरह से मर्द और जन के मिलाप से एक वजूद इंसानी शुरू होता है और फिर वो कभी जनीन होता है और फिर कभी मौलूद होता है और कभी वो सभी होता है, कभी तिफल होता है, कभी शाब होता है, कभी वो कहल होता है, कभी शेख होता है, जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है एक कीड़ा, वैसे एक नन्ना मुन्ना सा पौधा भी मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते गुजरते एक तनावर दरख्त बन जाता है। लेकिन यह भी देखता है हर काशकार के जिस खेती से वो खुश हुआ था और फूलों के साथ वो खिल गई थी, उसी को वो खुद काटता है, क्योंकि उसके अब काटने ही से उसको अनाज मिलेगा, इसलिए वो खुद ही अमल करता है, जिस खेती के लिए मेहनतें करता है, रातों को जागता है, दिन में निगरानी करता है, और ये खेती जब खूब सजती है और धसती है तो उसकी आंखों में यही खपती है और फिर वो हर वक्त उसी को देखता है और खुश होता है। उसके बाद वो वक्त आता है कि दानों को लेने के लिए वो इसी खेती को, अपनी मेहनत को काट देता है और अब जमीन की हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि जो पौधे हैं उन पौधों की नोकें ऐसी निकली हुई होती है कि उन पर चला जाए तो पैर छिल जाए, और अब जरूरत होती है कि फिर हल चलाया जाए और फिर जमीन की ऐसी गुड़ाई कर दी जाए और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दिया जाए कि फिर पौधों की कोई हकीकत बाकी न रह जाए और उसके बाद दोबारा फिर दाने डाले जाएं और फिर इंतजार किया जाए। और मैं जिस तरह ए काशकारों, ए बागबानों, ए नजारा करने वालों, ए खेतियों को देखकर खुश होने वालों, जिस तरह तुम ये देखते हो इसी तरह तुम्हें समझना चाहिए कि इंसानी जिंदगी का भी हाल है, एक साथ सब खत्म नहीं होते और एक साथ सब वजूद में नहीं आते, लेकिन रोजाना लाखों बच्चे पैदा होते हैं और रोजाना लाखों लोग मरते हैं। ये तबई मौत है और ये तबई हयात है। एक जगह पर अगर ये वाकया पेश आए तो आदमी चकरा के गिर पड़े और लगे कि कयामत बरपा हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए और लोगों को जिंदगी की लज्जत से मुतमत्ते होने देने के लिए ये अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया कि एक खानदान में अचानक ढेर सी मौतें नहीं होती हैं कि पूरा खानदान ही खत्म हो जाए, इल्ला माशाल्लाह जब जंगें होती हैं
या खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता ताउन फैल जाता है, कोई खतरनाक किस्म की वबा फैलती है, तो ये देखा गया कि एक ही वक्त में पूरा का पूरा घर खत्म हो गया। अमवास में जो ताउन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में फैला था, उस ताउन में सहाबा के पूरे पूरे घर खत्म हो गए, और अभी बाप की लाश उठाई गई, और फिर बेटे की, और फिर पोते की, और फिर बीवी की, इस तरह से वाकयात हुए हैं कि लोगों के दिमाग चकरा गए। लेकिन सहाबा किराम का ईमान इतना पुख्ता था कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुन रखा था कि ईमान की हालत में जो शख्स ताउन में मुब्तला होगा उसको शहीद शुमार किया जाएगा, तो वो उससे घबरा नहीं रहे थे। और चूंकि नबी ने फरमाया था कि अगर ताउन फैले तो जिस इलाके में तुम हो उस इलाके से भागना नहीं, और दूसरे जो बाहर लोग हैं वो वहां जाए नहीं, तो हालत यह थी कि उनका ईमान इतना मजबूत था कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हो या मुआज़ इब्ने जबल हो या दीगर हजरात हो, मौत पयाम ले लेके आ रही थी, और घर से एक लाश निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और वो इस पर खुश थे कि अल्लाह शहादत नसीब फरमा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलकर कोई शख्स अगर मर जाता है वो शहीद है, कहीं इमारत गिर जाती है दब के मर जाता है वो शहीद है, पेट के मरज में मर जाता है वो शहीद है, डूब के मर जाता है वो शहीद है। यानी जो भी सख्त हादिसात होते हैं ईमान वाले के लिए, ईमान वाले के लिए जो सख्त हादिसा होता है वो उसकी शहादत का पयाम लाता है। जैसे मारके में जब घमसान का मारका होता है और हाथों पर जान रख के लोग निकल पड़ते हैं, उस वक्त जो जो जाहिरी सख्तियां नजर आती हैं वो शहादत का जरिया बनती हैं, और शहादत का वो आला तरीन मरतबा है। यहाँ ये फरमाया गया कि इनको जरा दुनिया की मिसाल बता दीजिए कि ये खेती है जो उगती है, जब हम बारिश बरसाते हैं और जमीन से फिर खेती तैयार होती है, फिर वो वक्त भी आता है कि वो काट दी जाती है। ऐसे ही ए लोगों, तुम बसे हो, कल तुम्हारी दुनिया वीरान होगी, तुम्हारे इलाके वीरान हो जाएंगे, और धीरे धीरे खित्ते, इलाके, खानदान, कौमें, कबीले वीरान होते रहेंगे। अल्लाह की कुदरत है, जिसको बका है वही लाजवाल है। और माल जो है अरबी जबान में माल हर उस चीज को कहते हैं जिसकी मिल्कियत हो, खेत भी माल है, बाग भी माल है, कपड़े भी माल है, सवारी भी माल है, मकान भी माल, इन सब चीजों को अरबी जबान में माल कहा जाता है। अलमालु वल बनून, तुम्हारे जो घर हैं, तुम्हारी सवारियां हैं, तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारे बागात हैं, तुम्हारी दुकानें हैं, तुम्हारे साधो सामान हैं, और तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चियां हैं, ये सब दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। और जो इस जीनत में महव रहेगा, जो इसी जीनत में उलझा रहेगा और इसी जीनत की फिक्र में रहेगा, जिसके दिमाग में बस सिर्फ ये होगा कि ये जो जीनत है या और ज्यादा मुजयन हो जाए, इनके अच्छे से अच्छे लिबास हों, और अच्छे से अच्छी इनको सवारियां मिले, और अच्छा से अच्छा मकान हो, जो सिर्फ यही फिक्र करेगा वो दुनियादार मर जाएगा, और अपनी औलाद को बस ये दुनिया की जीनत दे के जाएगा, फिर वो इसमें उलझे रहेंगे। वो है मोमिन, वो है अल्लाह का बंदा, वो है नबी का उम्मती, जो अपने बच्चे के वजूद में आते ही उसके कान में अजान देता है, इकामत कहता है कि ले भाई एक और मुसल्ली आया, एक और अल्लाह की गवाही देने वाला और नबी की गवाही देने वाला उठा, और पहले ही कान में डाल दिया कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब बचपन के हर मरहले में ये फिक्र है कि कैसे इसको दूध के साथ ईमान पिला दिया जाए, कैसे इसकी रगों में दीन उतार दिया जाए, कैसे इसको घुट्टी के अंदर ईमान और दीन डाल दिया जाए,
ये फिक्र होती है उसको कि जो अल्लाह वाला होता है, ये फिक्र होती है उसको जिसकी जिसके सामने आखिरत की जिंदगी होती है, और अलबाकियातुस सालिहात जिसके सामने होती हैं, जो चीजें बाकी रहने वाली, बाग खत्म हो जाएगा, खेत खत्म हो जाएगा, घर भी तबाह हो जाएगा, जान चली जाएगी, सवारी नहीं रहेगी, हाँ अलबाकियातुस सालिहात रहेंगी, जो तिलावत कर ली, जो दुआ कर ली, जो जिक्र कर लिया, जो खैर खैरात का काम कर दिया, किसी के साथ अच्छा सलूक कर लिया, दीन पर अमल कर लिया, यही बाकी रहेगा, और इसी से सवाब की उम्मीदें हैं। और जो लोग इंतजार में बैठे हैं कि कयामत ही बरपा हो जाए, फिर तो उनके पतंगे उड़ रहे होंगे जब पहाड़ धुनक दिए जाएंगे, जमीन चटियल कर दी जाएगी, उस वक्त क्या देखोगे, क्या पाओगे? उस वक्त तो महशर का आलम बरपा होगा, कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है आदम से लेकर कयामत तक के जो छोड़ दिया जाए, सबको हाजिर किया जाएगा, और परवरदिगार के सामने सफ बस्ता खड़े होंगे, और उस वक्त अल्लाह की तरफ से फरमाया जाएगा कि हमने तुमको जिस तरह पैदा किया था, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, वैसे आज तुम ऐसे ही नंगे बुच्चे हो, कुछ नहीं तुम्हारे पास, आज तुम्हारा परवरदिगार जुल जलाली वल इकराम है जो तुमसे मुखातिब है। तुम काफिराना जिंदगी गुजारते थे और कहते थे कि कहाँ की कयामत और कौन सा महशर, ये तो कहानियां हैं, बातें हैं, अब देख लो महशर में, देखो तुम खड़े हो इस वक्त अपने परवरदिगार के सामने और कांप रहे हो, जिस चीज को कहानी समझे थे वो हकीकत है। अमलनामे हवाले कर दिए जाएंगे, जो जराइम पेशा होंगे, मुजरिम होंगे, वो लरज रहे होंगे, दहशत और खौफ से कांप रहे होंगे, और वो हैरान होंगे कि आखिर ये कैसा अमलनामा है कि कोई चीज तो नहीं छोड़ी गई। मैं सोचता था कि मेरी फला बात की तो किसी को इत्तला नहीं है, फला कमरे में और फला कोठरी में मैंने जो कुछ किया उसको कौन जानता है, खलवतों में छुप छुप कर जो कुछ मैंने किया वो तो किसी के इल्म में नहीं है, वो सब सब लिखा हुआ मिलेगा, सब ऐसा कि जैसे एक मुकम्मल वीडियो दिखा दी गई है, हर चीज अपने फोटो के साथ मौजूद है, जैसे किसी मुजरिम को पकड़कर उसकी फाइलें लाई जाएं, उन फाइलों में फोटो भी हों और वाकयात भी हों, रिपोर्ट्स भी हों, और यहां उसके लिए लंबी लंबी फाइलें नहीं होंगी, यहां तो बस इंसान के बाल की नोक पर उसके पूरे अमलनामे को नोट कर दिया जाएगा। आज तो हम अपनी इस दुनिया में देख रहे हैं कि मोबाइल की सिम के एक पॉइंट पर हजारों मालूमात दर्ज हैं। ये अल्लाह ने इंसान को अकल दी कि उस इंसान ने धातों के जरिए से ये मादा तैयार कर लिया कि जिसमें हमारे अल्फाज नोट हो रहे हैं, फोटो नोट हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो वो अल्लाह जिसने इंसान को यह दिमाग दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़ा फख्र कर रहा है और नाच रहा है और हर बदमाशी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर करता चला जा रहा है, उस वक्त पता चलेगा कि नाखून के किसी एक किनारे पर और बाल की नोक पर ये वो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा जिसमें उसकी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड होगा। हैरानी से कहेगा कोई बात ऐसी नहीं, छोटी से छोटी बात जो मुझे याद भी नहीं थी वो सब दिख रही, या अल्लाह क्या होगा, क्या होगा? अब अल्लाह ही करम फरमाएगा तो फाइल उठा उधर फेंक देगा कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया, या उसे ढक देगा या उसे छुपा देगा कि मैंने तेरी बुराइयों को छुपा दिया, सत्तारी की, चाहेगा तो ये फैसला करेगा और चाहेगा तो कहेगा तेरे जराइम सामने हैं, इस पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जिस सजा का तू मुस्तहिक था उसी सजा की तरफ तुझको फेंका जा रहा है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता।
आगे चलकर फिर इसी में ये बात बयान कर दी गई कि जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के सामने झुक जाओ झुक जाओ, तो सब झुक गए थे, और जिन तो उनके मातहत थे, ताबे थे, वो भी झुक गए थे, सिवाय एक इबलीस के जो जिन्नी था, जिनों में से एक था, और सरकशी करने लगा। नंबर दो का शहरी था और सरकशी में सबसे आगे निकल गया। तो अल्लाह ये फरमा रहा है, अब जो ये दुनिया की जिंदगी की मस्तियां हैं, बदमस्तियां हैं, फरमा रहा है उसी दुश्मन जानी को, वही मुजरिम जो आदम के सामने नहीं झुका, जो अल्लाह के सामने अकड़ा, तुम उसी से दोस्तियां रचाते हो, तुम उसी इबलीस की जुर्रियत से दोस्तियां करते हो, और उसी से दोस्तियों का ये नतीजा है कि झूठ बोलते हो, मकर करते हो, गीबत करते हो, फितना करते हो, फहाशी में मुबतला होते हो, गुनाह में मुलव्वस होते हो, और इस दुनिया की जिंदगी को लंबा समझते हो, इसमें लगे रहते हो। तो ये सारा नतीजा इसका होता है कि तुम उसके शिकार हो जाते हो जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था, जो जरिया बना तुम्हें जन्नत से निकालने का, अब चाहते हो कि तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत से निकाल के वो फेंक दे। क्या ये चाहते हो? ये है वो असबाक जो इन आयत करीमा में पेश किए गए हैं, और जाहिर है कि बात कही जा रही है मक्का मुकर्रमा के माहौल में, काफिरों और मुशरिकों और गाफिलों और मुजरिमों के बीच में उनको ये बताया जा रहा है। और जो अहले ईमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, और जिन्होंने कुरान पर ईमान कबूल किया है, जिन्होंने अल्लाह को रब माना है, उनकी तो कैफियत यह है कि लम्हा बलम्हा वो अल्लाह की याद में गुजारते हैं, और ये अपने को मानते हैं कि बस वो अल्लाह के दीन के खादिम हैं, एक मामूली खादिम और गरीब खादिम है, और अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमा ले जिसकी तौफीक में तू ही ने अता फरमाई। अहले ईमान का अंदाज ही कुछ और होता है, उनका जी इस दुनिया में नहीं लगता, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो उनका दिल दुनिया से खाली होता है, हाथ से वो दुनिया इस्तेमाल करते हैं जरूरत के तहत, जिस्म की जरूरियात है और जिस्म की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको जिस्म पसंद करता है, जिनकी जीनत चाहता है, और वो मुबाह के दायरे में है, जो चीज भी जायज है मुबाह है उसको इस्तेमाल कर। बिल्कुल तबीयत बात है, हम ज्यादा होता है, और ये हम नबियों को भी होता है, वलियों को भी होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुजारा कि दूसरों का कितना पानी हो जाता है, औलाद अजीज वजूद में आए, बच्चे खून की तरह खेलते हुए बचपन जाता है, तो खासी रुखसत हो गए, रुखसत हो गए, आगे रुखसत हो गए, अब्दुल्ला रुखसत हो गए, अगर चार वर्ण का बस्कर देखे हसीन और माहे ये बच्चे रुखसत हो गए। और उसके बाद नबी ने अपनी हिलाओं के सामने अपनी बच्चियों की रुखसत इस तरह की है, उन्हें गुलसूम रुखसत हो गई, रुखैया रुखसत हो गई, जैदा रुखसत हो गई, और फातिमा से अपने मरज वफात में ये कह दिया कि फातिमा मेरी वफात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलो। और हुजूर की वफात के 6 महीने के बाद सैयदत निसा अल जन्नत फातिमा अल ज़हरा ये दुनिया से रुखसत हो गई। जिंदगी में दे दिया गया था, आपको बता दिया गया था कि अली
पर एक दुश्मन एक मुजरिम एक मजरूम तलवार मारेगा सर पर और सर के जख्म से उसके खून से उसकी दाढ़ी कर हो जाएगी। के बाद खुद हुजूर ने अली से कही थी कि अली तुम्हारे साथ हो हम हुजूर की जिंदगी में दिया जा रहा कि आप अभी से सह लें इस कम। और इसी तरह तुम्हें सलाम घर मौजूद कमरे के अंदर बैठे हुए रो रहे थे अंदर फरमाया गया
بلکہ اس کا قول نقل کیا گیا ہے جس کا اللہ نے اعزاز فرمایا, جس کو پیچھے سے خنجر مار دیا گیا تھا اور وہ شہید ہو گیا تھا. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے کیسے میری مغفرت کا انتظام فرمایا, کیا اعزاز فرمایا. کاش کے معلوم ہو جاتا تو لوگ گریبان پاڑ پاڑ کے کود کود کے اس جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے. قرآن پاک میں یہ منظر ایک پیش کیا گیا, اس لیے ظاہر ہے کہ شہادت کی تمنا نبی کرتے تھے. نبی جن کا مقام شہادہ سے بہت بلند ہے, لیکن ایک خاص نسبت کی وجہ سے وہ بھی تمنا کرتے تھے, میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر کی شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے. یہ نبی سے صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور اللہ کا وہ بندہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کا درجہ دے دیا کہ اگر کسی وبا سے متاثر ہو کر کوئی رخصت ہوا تو صاحب ایمان شہید شمار ہوگا. حادثاتی موت ہو گئی تو اس کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے شہید قرار دے دیا.